राष्ट्रीय समर्पण पार्टी द्वारा संपूर्ण भारत में आसाराम बापू के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। उसी के चलते 25 से 26 जनवरी को संविधान चौक में आंदोलन रखा गया है। पार्टी का मानना है कि आसाराम बापू पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। इस वक्त मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी भी दी गई। जय हिंद, मैं शशिकांत ठाकुर, राष्ट्रीय समर्पण पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। श्री संत आसाराम बापू को जानबूझकर विदेशी शक्तियों कुछ बसेंगरों द्वारा फंसाया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। राष्ट्रीय समर्पण पार्टी का मानना है कि संत आसाराम बापू बेकसूर है, उनको सरकार रिहा किया जाना चाहिए, जमानत मिलना चाहिए। इसीलिए हम 25 और 26 तारीख को संविधान चौक पे आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन पूरे भारत वर्ष में शुरू है, सावनर्स की शुरुआत हो गई है, छिंदवाड़ा में है, जबलपुर में है, अमरावती में, हर जगह आंदोलन है। जब तक संत आसाराम बापू रिहा नहीं होते, आंदोलन चलता रहेगा। एक और न्यायपालिका में ये चालू है मामला, और ऐसे में आप आंदोलन कर रहे हो क्या? न्यायपालिका केवल साधु संतों और हिंदुओं के लिए बना हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी धर्म पर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए प्रश्न है। हमें सरकार ने परमिशन दिया है, 2 दिन का परमिशन दिया है, जिस सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम आंदोलन करेंगे। राम रहीम अलग मुद्दा है, संत आसाराम बापू भी समर्थन। अच्छा, आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर दबाव डालने पर भरोसा नहीं है।